सभी ये जानते हैं कि BTS के मेंबर्स ने आज तक किसी को ऑफिशियली या फिर पब्लिकली डेट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि BTS के मेंबर्स कभी इमेजिन नहीं करते कि वो अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करेंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि वो सबसे रोमांटिक पार्टनर बनने के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड होती तो वो किस तरीके से उसको ट्रीट करते, या फिर अगर वो डेट पर जाते ना तो फिर किस तरीके से उसके साथ बिहेव करते। और ये सुनकर आर्मी बड़ी शॉक हो गई थी कि हमारे वी तो बड़े ही छुपा रुस्तम निकले। लेकिन अगर आपको इस इंटरव्यू के बारे में नहीं पता है तो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे न्यू चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां पर मैं पर्सनली BTS की फनीस्ट वीडियोस को रिएक्ट कर आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आर्मीज, जब वी का एक सॉन्ग आया था क्रिसमस को लेकर, तो उस सॉन्ग में वी ने बात करी थी कि किस तरीके से उनके पार्टनर के बिना उनकी क्रिसमस अधूरी है। तो ये सॉन्ग खुद में काफी रोमांटिक था। और उसके बाद वी का एक इंटरव्यू लिया गया था जहां पर वी से उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया था। तो वी ने बोला था कि फिलहाल तो वो सिंगल हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर के लिए काफ़ी सारी इस तरीके की इमेजिनेशंस रखते हैं कि वो उनके साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो वी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप डेट पर जाते हो तो फिर आप क्या प्रेफर करते हो, मतलब आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना चाहोगे या फिर उनके साथ अच्छे से क्लोज होकर रहना चाहोगे। बेसिकली पूछा गया था कि जब आप दोनों वॉक करोगे तो किस तरीके से, मतलब आप उनका हाथ पकड़ोगे या फिर दोनों ऐसे आर्म्स को लिंक कर लोगे। तो वी ने सबसे ज़्यादा शॉकिंग जवाब दिया था, और वो ये था कि वी दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे। वी ने बोला कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ होऊंगा तो मैं या तो उनकी वेस्ट पर हाथ रखूंगा या फिर उनके शोल्डर से अच्छे से पकड़ के उन्हें चलूंगा। जिसके बाद इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा चलना अनकंफर्टेबल नहीं होगा, तो वी ने बोला कि ऐसा क्यों होगा, जब मैं उस इंसान के साथ होऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूं तो फिर ये सब कुछ भी अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वी की ये सब बातें सुनकर ही आप इमेजिन कर सकते हो कि वी कितने लविंग और केयरिंग हैं। और अभी तो उनका कोई पार्टनर है भी नहीं तो ही वो ऐसा सोच रहे, तो कल को जब वी की लाइफ में कोई गर्ल होगी तो वो डेफिनेटली बहुत लकी होगी कि वी जैसा लविंग पार्टनर उनको मिला है। और इसीलिए ये इंटरव्यू की ये बात काफ़ी वायरल हो रही थी और कई सारे आदमी बोल रही थी कि अच्छा तो वी इस टाइप के बॉयफ्रेंड बनेंगे, मतलब वो अपनी पार्टनर को एकदम अपने क्लोज रखेंगे और बिल्कुल भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। तो आर्मीज, मुझे कमेंट करके बताओ कि वी का ये इंटरव्यू और आंसर आपको कैसा लगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।